अभी जैसे जो फरवरी का महीना है, इसमें बारिश में काफ़ी कमी चल रही है, स्नोफॉल में भी कमी रही, और पिछले कुछ एक दिन से भी वेदर जो ड्राई चल रहा है। तो अभी जो टेम्परेचर है पिछले 24 घंटों में, जो कल्पा का मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो आज मतलब कल 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। उसके पहले जो टेम्परेचर था वो 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जो हाईएस्ट टेम्परेचर था कल्पा का, वो 11 फरवरी 1993 में जो 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 28 साल के बाद लगभग जो टेम्परेचर है वो जो पुराना हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ है। तो उसका जो मेन कारण है, जैसे कि मैंने बताया, वेदर जो वो ड्राई चल रहा है, और उसके बाद एक WD भी आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आती है तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो राइज़ करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो दिन के तापमान है वो भी जो राइज़ करते हैं। तो जो टेम्परेचर है ये कल्पा का, ये 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से जो 14 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। और साथ में अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो वो भी जो जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं। शिमला, किलोंग, मनाली का एरिया हो गया, कल्पा का भी इवन एरिया हो गया, तो वहाँ पे जो सभी जगह जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 से लेकर 8 डिग्री तक जो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं।